और मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्करर रैंक पुश वीडियो में। अब आज की वीडियो में कोई भी इंट्रो क्यों नहीं था, वो अभी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, भाई रैंक पुश से इतना ज्यादा परेशान क्यों हो, मेरे रहते तुम लोग परेशान रहो, ऐसा हो सकता है? आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तुम्हारा भाई हर एक चीज बताएगा कि आप लोगों को अपने टीयर के हिसाब से डेली कितना प्लस करना है, सीजन के एंड तक कॉन्करर कितने पॉइंट्स में मिलता है, डेली कॉन्करर कितना पॉइंट बढ़ रहा है, और ये डेली लीडर बोर्ड में पॉइंट्स बढ़ना कब तक कम होगा, सब कुछ बताऊंगा। तो बस वीडियो को एंड तक देखना, बाकी गेम प्ले देख के तो बिल्कुल मजा सा आ जाएगा तुम्हें। अब ये भाई साहब तो मेरे से भी ज्यादा लूटे रहते हैं। अबे भाई, मैं यहाँ पे जिंदा खड़ा हूँ, बिल्कुल मेरे सामने लूटे जा रहा हूँ ऊपर में खड़े होके। वो तो यहाँ पर मैं था इसलिए 2-3 सेकंड बच भी गया, और कोई होता ना मिनट से पहले पेटी बना दी जाती है ऐसे ऊपर में। अब काफी देर यहाँ पे भटकने के बाद मैं सोचता हूँ यहाँ से निकल ही लिया जाए, कि इससे पहले कोई बंदा अपने को धर के मारे। और इवेंट से आगे जाके थोड़ा दूर निकलता ही हूँ कि अपने को साक्षात बॉट भैया के दर्शन हो जाते हैं। इनका किल उठा के बस ज्यादा नहीं, थोड़ा ही आगे जा पाया था, लगता है बॉट ने नजर लगा दी। फ्यूल खत्म हो गया यार। और मेन दिक्कत की बात ये थी कि अपने को दूर दूर तक एक भी गाड़ी स्पॉट नहीं हो रही थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि अपने पास रिकॉल है। तो मैं उड़ता हुआ जाता हूँ पोचिंग की में, फ्यूल कैन उठाता हूँ और भागता हुआ वापस आता हूँ। और बस ये वाला स्प्रे देखो, अब इस वाले मैच में ना मेरे स्प्रे ज़्यादा अच्छे नहीं जा रहे थे। अब देखो बताता हूँ कि आज की वीडियो में कोई भी इंट्रो क्यों नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई भी नया गेम प्ले था ही नहीं, क्योंकि मैंने कल से गेम नहीं खेला। अब गेम क्यों नहीं खेला, क्योंकि और कोई मुझे याद करे ना करे, मेरी जुखाम को मैं बहुत याद रहता हूँ, हर हफ्ते मुझसे मिलने आ जाती है यार। अब देखो, एक तो मैं वैसे ही कम खेलता हूँ, तुम लोग देख भी सकते हो, सारे यूट्यूबर्स में तुम्हारे भाई के ही सबसे कम मैचेस है। मैं डेली का मुश्किल से 3 घंटे के आसपास खेलता हूँ, और ये 3 घंटे भी काफी ज्यादा है, धीरे धीरे मैं इसे भी कम करने वाला हूँ। और जब मैं ये 3 घंटे भी खेलता हूँ ना, इसमें मुझे 4 गालियाँ पड़ जाती है। तुम लोग पता नहीं यार 6 घंटे कैसे खेल लेते हो, तुम्हारे घर वाले कुछ कहते नहीं है क्या? मैंने अगर 6 घंटे पूरे गेम खेल लिया ना, अब पता नहीं फिर क्या क्या हो जाएगा, कौन सा लट कहाँ टूट जाए। और आप लोग कितने घंटे गेम खेलते हो एक दिन में, जरा कमेंट करके बताना, मैं भी देखूं अकेला मैं यू गाली खाने वाला या तुम भी खाते हो अपने अपने घर पे गालियां। अब देखो, इस वाले मैच में अपने अच्छे खासे 4 गेम हो चुके थे, अपना रिकॉर्ड भी बाकी था, लेकिन अपने को बंदे ही नहीं मिलते हैं। तो चलते सीधा लास्ट जोन में। पीछे ये ट्रांजेक्शन साउंड था, वो सॉरी ट्रांजिशन बोलते हैं। अब देखो, थर्ड सर्कल कट गया था थोड़ा सा रोजॉक पे, और बाकी का पानी के उस साइड था, तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये वाला जोन पानी के उधर जाएगा, तो मैं इधर ही होल्ड कर लेता हूँ ये रेड वाले हाउसेस पे। और बस यहाँ से देखना तुम्हारा भाई क्या ही कार स्प्रे अगने वाला है। तुम्हें क्या लगा ये बोलूंगा कि बहुत बढ़िया बढ़िया कार स्प्रे दिखाने वाला हूँ? अरे भाई, इस वाले मैच में बोला तो था अच्छे नहीं जा रहे कार स्प्रे। अब जो ये मैंने पहला स्प्रे मारा है ना ऑग से, मैंने समझ लिया था ऑग अपने बस की नहीं है, नीचे M4 पड़ी थी। तो तुम्हारा भाई जाता है सबसे पहले M4 उठा के लाता है, और M4 उठाने के बाद भी मैंने कोई तीर नहीं मार लिया, बेकार ही स्प्रे गए। चलो, अपनी परंपरा बच गई, लास्ट में एक गोली उसको चिपक ही गई, वरना तो भाई ये बंदा बिना गोली खाए जाता। पता नहीं शायद से इसके व्हीकल पे भी एक भी गोली नहीं लगी। अब इस मैच में मेरा एक बार भी ना स्कोप सीधा बग्गी के ऊपर खुल ही नहीं रहा था, कहीं ना कहीं और खुल रहा था, और एडजस्ट करने में स्प्रे इतना ज़्यादा घटिया जा रहा था ना। अब इस मैच में हद से ज्यादा घटिया स्प्रे जा रहे थे, अब इस बंदे की किस्मत ज्यादा बेकार थी मेरे स्प्रे से। अब नेक्स्ट सर्कल भी जस्ट स्टार्ट होने ही वाला था, तो मैं सोच रहा था कहाँ पे जाके होल्ड किया जाए। अब अगर रोजॉक के जस्ट 20 से जाता ना, तो भाई पक्का उतार दिया जाता, क्योंकि मेरा स्प्रे बेकार जा रहा, बंदों का थोड़ी दारे एकदम मिल बांट के मारते, 2 गोली इस घर से 2 गोली उस घर से, और तुम्हारा भाई लॉबी। अब बस रोटेशन देखो अपनी, और कहाँ पे जाके होल्ड करता हूँ वो चीज देखो। अब यहाँ मैं रिच के एकदम एच पे आके आराम से होल्ड कर लेता हूँ, और मैं पहले इंतजार करता हूँ कि पूरा का पूरा जोन ना क्लोज इन हो जाए, ताकि अपने को पीछे से कोई ना मार सके। अब जैसे ही जोन क्लोज इन हो जाता है, तो मैं थोड़े बहुत बंदे स्पॉट करता हूँ इधर उधर। अब इस वाले घर में मुझे एक बंदा स्पॉट हो चुका था, जो कि बिल्कुल हल्का सा दिख रहा था, तो स्मोक डाल के मैं इस पर डायरेक्ट रश कर देता हूँ, और बस यहाँ पे फाइट देखो इस बंदे से।
अब देखो इतनी बढ़िया स्मोक वॉल बनाई थी, लेकिन ये बीच से स्मोक कहाँ गए? अब इस नेट से ये बंदा अच्छा खासा डैमेज हो चुका होगा, बस मेरे स्मोक ने मुझे बचा लिया था। अब मैं इस बंदे पे एक बार नेट ट्राई करता हूँ और ये बंदा मेरा नेट का साउंड सुन के पीछे चला जाता है। अब पहला नेट तो मैं फेंकता हूँ तो वो खाली हो जाता है। अब इस भाई को लगा होगा कि पहला नेट खाली हो गया तो वो खिड़की पे आ जाता है, लेकिन भैया मेरा पहला नेट के बाद ना दूसरा तैयार ही होता है। अब इन भैया जी को भी इजिली किल कर देता हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ एकदम प्रो लेवल का कैंपर, बस देखो। अब यहाँ पे ये चिंता मत करो, इस वाले घर में नहीं है, इस वाले घर में तो बंदा ही मारा है। अब मैं इस भाई की पेटी लूटता हूँ और इसकी पेटी में थी ग्रोजा, और ग्रोजा लेके फाइट के बीच में हगना आता है, आ जाओ सिखा दूंगा। अब देखो मैं सोलो के इतने ज्यादा मैचेस खेल चुका हूँ ना, मुझे मतलब हल्का फुल्का आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे बंदा हो सकता है और कहाँ पे नहीं। पेटी वेटी लूट के मैं आराम से बैठा ही होता हूँ कि मुझे लगता है शेक में कोई ना कोई तो होगा। पहला नेट तो मेरा वो रेड जोन का पता नहीं किस चीज़ का मैसेज आया था, उसकी वजह से खराब हो जाता है। अब दूसरा नेट मैं एकदम शेक में करता हूँ। अब देखो ना तो बंदा मरा है ना उसने कोई फुटी स्टेप दिया, ठीक है। तो मुझे लगता है ठीक है भाई, नहीं होगा, आराम से अपना दोबारा लूटते और चलते अब जोन में आगे। अब भाई अगर आप गलती से भी वीडियो देख रहे हो ना, तो बस इतना बता दो कि इतनी नेक्स्ट लेवल कैंपिंग कर कैसे लेते हो यार, मेरे से तो इंतजार ही नहीं होता। अगर अगल बगल बंदा आ जाए ना, तुम्हारा भाई पहली नेड हाथ में लेके खड़ा होता है। अब ये बंदे पता नहीं कैसे सांस रोक के बैठ जाते हैं। और देखो अब जो फाइट होने वाली है ना, उसमें मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि ग्रोजा अगर आपके पास होना फिर भी आप लोग हग सकते हो, और वो कैसे हगा जाता है आ जाओ सिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सिर्फ आप लोगों के लिए फाइट हारा हूँ ये वाली, ठीक है। ये अलग बंदा है, जोन के बाहर बैठा हुआ है, टेट 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 लगा पड़ा है। अब देखो ये वाली फाइट में ना तब हारा जब मैंने ग्रेनेड को कैंसिल करके जो वो ग्रोजा का प्री फायर दिया है ना, जाके बैक देखो। नहीं मतलब मैं पागलों की तरह प्री फायर दे रहा हूँ, वो बंदा वहां से मुड़ के गेट में घुस गया। नहीं मतलब भाई कोई इज्जत ही नहीं है, मैं यहाँ पे प्री फायर दे रहा हूँ पागलों की तरह। प्री फायर में आना होता है, वो आराम से गेट खोला अंदर चला गया, मैं दिखे जा रहा हूँ प्री फायर। अब भाई वो बात करें अपने सेकंड गेम प्ले की, लेकिन उससे पहले आप लोगों के जितने भी डाउट्स है ना वो क्लियर कर देता हूँ मैं। कि देखो अभी के टाइम पे जो कॉन्करर के लिए पॉइंट्स है ना वो डेली लगभग 120 के आसपास बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे अभी 100 पॉइंट्स हो जाएगा। आज से इस साइड से 100 पॉइंट्स बढ़ेगा डेली, और वो हर ना 4-5 दिन में धीरे धीरे कम ही होता जाएगा। अभी 100 बढ़ेगा, फिर वो 80 पे आएगा, फिर 50, और धीरे धीरे करके डेली का सिर्फ 10 पॉइंट बढ़ेगा जब लास्ट के 20-25 दिन बचे होंगे। तो भाई उसकी टेंशन मत लो कि पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और दूसरी चीज जो बंदे पूछते हैं कि भाई मेरा कॉन्करर हो पाएगा ना, भैया तुम्हारा कॉन्करर नहीं होगा, तुम में जंग लगी है, तुम्हारा कॉन्करर नहीं होगा, तुम खेलते थोड़ी हो, तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो रैंक को। और भाई अगली बार से कोई भी बंदा ये चीज लिखेगा ना कि भाई मेरा कॉन्करर हो पाएगा, तो उसके नीचे ये जरूर लिख देना, अगर नहीं हो पाएगा तो भाई क्यों नहीं हो पाएगा तुम्हारा कॉन्करर, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और तीसरी चीज की डेली कितने का प्लस करे, तो भाई मैं आपको आपके टियर के हिसाब से अभी टारगेट देने वाला हूँ, और मैं जो टारगेट दूंगा ना वो ऐसा टारगेट होता है जिससे आप लोगों का कॉन्करर भी इजिली हो जाएगा और आप लोगों को खेलने पे लोड भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि भाई अब ऐसे टारगेट देने को तो मैं बोल दूं डेली का 400 का प्लस करो, तो भाई कर थोड़ी पाओगे। तो जो मैं टारगेट दूंगा ना वो ऐसा होगा, अगर आप लोग नॉर्मल भी खेलते होगे ना आपका इजिली प्लस हो जाएगा। तो देखो भाई वो प्लेटिनम वालों को 250 का प्लस करना है, क्योंकि आप लोगों को अभी के टाइम पे 35 तक का प्लस प्लेटिनम पे इजिली मिल जाएगा, तो आप लोगों का हो जाएगा उतना प्लस एक दिन में। बाकी आप इससे हल्का फुल्का कम ज्यादा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और डायमंड वालों को करना है 200 का प्लस, और क्राउन वालों को 150, और एस वालों को सिर्फ 100 पॉइंट्स का प्लस। और अगर आप लोग सिर्फ इतना इतना प्लस कर लेते हो ना, आप लोगों का कॉन्करर बिल्कुल बिना किसी लोड के सीजन के एंड तक तो नहीं, सीजन के एंड से लगभग 20-25 दिन पहले ही लग जाएगा। और भाई वो प्लस कैसे निकाले, तो भाई उसका भी सिंपल सा है कि इवेंट पे किल्स निकालने का ट्राई करो। और अगर मेरी तरह आप लोगों की भी इवेंट पे किल्स नहीं निकलते हैं तो भी भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्राई करो, किसी ना किसी मैच में तो निकलेंगे। और अगर नहीं भी निकलते ना, फिर आके अपनी आराम से वहां पे मर के लूट कंप्लीट करो, और लूट कंप्लीट करते करते आप लोगों को एक दो बॉट तो मिल ही जाएंगे। और फिर टॉप 20 के बाद आप लोगों को फाइट लेनी है, और फाइट भी उन बंदों से लेनी है जो आपके ऊपर आ रहे हैं, वरना भाई फाइट अवॉइड करो ज्यादा से ज्यादा। और टॉप 10 के बाद आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फाइट में एंगेज होना और ज्यादा से ज्यादा किल्स निकालने का ट्राई करना है। भाई बहुत आराम से अच्छा खासा प्लस मिलता है, रैंक पुश इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती है जितनी आप लोग सोच के बैठ जाते हो। भाई रैंक पुश बहुत ज्यादा आसान होती है। अब कल मैंने सिर्फ और सिर्फ
75 का प्लस करा और कल से आज तक मैंने एक मैच भी नहीं खेला। ऐसे रैंक चेक करने के लिए आज गेम खोली है, बाकी मैंने एक बार भी गेम खेला तक नहीं आज, क्योंकि कल से मेरी तबीयत खराब है। और अगर अभी मैं 10-15 दिन गेम नहीं भी खेलूंगा ना, तब भी भाई मेरे को पता है मैं इजिली कॉन्कर कर लूंगा भाई, इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है। आप लोग बिना मतलब की टेंशन मत लिया करो। और अब ये वाला स्प्रे देखो, बाकी एंजॉय करो आप। और बाकी कोई दिक्कत हो रैंक पुश में तो वो भी बता देना। तुम्हारा भाई हर एक चीज के लिए बैठा है, तुम्हें हर एक चीज बताऊंगा कि आप लोगों को क्या चीज कैसे करनी है। अब ये बंदा काफी ज्यादा तेज था, जैसे इस पे स्प्रे आता है ये तुरंत एग्जिट मार देता, वरना मैं उतार ही देता। 2 से 3 गोलियां तो मार ही दी थी। अब जब नेक्स्ट सर्कल भी स्टार्ट होने वाला था तो अब अपने को निकलना है जोन में, तो भाई स्मोक्स का प्रॉपर यूज कर लिया करो। ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो करो कि आप लोग अपनी गलती से ना मरो। आप लोग अगर फाइट में हार जाते तो भाई वो एक बार को चलता है, लेकिन गलती से मत मरो ये स्मोक विस्मोक की गलती से। अब इस बंदे को मैंने दोबारा से अच्छा खासा डैमेज दिया था, और जो ये यहाँ से मिस्टर इंडिया बना है ना भाई, मैं ढूंढता ही रह गया। और ये वो बोट वाला बंदा था, अब नेक्स्ट सर्कल में मैं काफी देर तक बग्गी घुमाता रहता हूँ जब तक जोन बन नहीं जाता। और अब मुझे जोन के एच पे ये वाला पत्थर सही लगता है, तो यहीं पे आके आराम से होल्ड कर लेते हैं। और देखो एक और टीम अप वाले बंदे, अब स्टार्टिंग में तो मैंने पूरा का पूरा स्प्रे हक दिया था, लेकिन एंड में जैसे तैसे इस बंदे को किल कर देता हूँ। और मुझे पहले ही डाउट हुआ था कि यहाँ पे 2 बंदे दिखे मुझे शायद, और उसके बाद मैं आराम से एक को किल करके लेट जाता हूँ। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे होता है दोबारा से स्मोक, आप लोग देख सकते हो। अब भाई यहाँ वहाँ पे थे टोटल 2 बंदे, इनका अलग टीम अप चल रहा है। भाई टीम अप करके क्यों खेलते हो, जब तुम्हें टीम अप करके खेलना है तो डुओ खेल लो, 2 बंदे तो हो ही। अब देखो इस वाले मैच में भी मैं अपनी गलती की वजह से मरने वाला हूँ, जो मैं आप लोगों को कह रहा था स्मोक विस्मोक का अच्छे से यूज कर लिया करो। अब मैं अच्छी खासी अपनी रोटेशन लेता हूँ नेक्स्ट सर्कल में, और ये पता नहीं किसका ग्रेनेड था भाई, अभी मुझे बग्गी में बैठे बैठे ये ग्रेनेड से ले जाता। अब एंड सर्कल बन गया था ये इवेंट वाली जगह पे, और मैं यहाँ पे आराम से पहुँच जाता हूँ। अब नेक्स्ट सर्कल में भी इजीली पहुँच जाता हूँ, और यहाँ पे मेरी गलती ये थी कि अपना बैक क्लियर ना होते हुए मैं आराम से देख रहा हूँ खिड़की से बाहर। अब यहाँ पर मुझे पता था कि अपने पीछे की साइड बंदा है, फिर भी मैं खिड़की पर आराम से खड़े होकर ग्रेनेड कर रहा हूँ, तो बस लो फिर। अब मैं आधे से ज़्यादा मैचेस में ना अपनी गलती की वजह से ही मर जाता हूँ, 1v1 फाइट में तो अब काफ़ी कम हार रहा हूँ। और बाकी आप लोग देख ही सकते हो #12 पे मरा हूँ सिर्फ 5 किल के साथ, वो भी एस पे अपने को 20 का प्लस मिल गया है, तो भाई प्लस अच्छा खासा मिल रहा है। बस आप लोगों को आना पड़ेगा टॉप 10 अच्छे खासे किल्स के साथ। बाकी भाई कोई भी दिक्कत हो तो एक बार कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम सारे भाइयों को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।